हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के ग्रामर पोर्शन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो आज हम लोग यानी प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यानी प्रेपोजिशन के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन, जो उसका है पार्ट वन। तो हम लोग आज पार्ट वन को कम्प्लीट करेंगे, तब फिर हम लोग पार्ट टू को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई भी कुछ पूछना हो तो आप टेलीग्राम चैनल में बीबीपी हेल्प नाम से है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, और जो आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम में आपको यानी जितने भी सारे वीडियोस हैं सारे के नोटिफिकेशन का जो लिंक है वहाँ पर डाल दिया जाता है, आप वहाँ से यानी टाइम पर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक है वो प्रेपोजिशन है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं किसे बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल यानी यूज़ होता है वो कहाँ पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के कुछ अन्य शब्दों से कराता है। तो क्या बोला जा रहा है, जो प्रेपोजिशन है वो वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, यानी जो प्रेपोजिशन होगा वो कहाँ पे आता है, नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले आकार उस नाउन या जो प्रोनाउन का संबंध है दूसरे किसी अन्य जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं उसके साथ वो क्या करता है, जोड़ता है, उसको संबंध को बनाता है। इसलिए अधिकांश स्थितियों में यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। इसलिए ये क्या होता है, अधिकांश स्थितियों में नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, जैसा कि इन वाक्यों से स्पष्ट है। तो हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही इज़ इन द रूम, क्या है, ही इज़ इन द रूम, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। उसके बाद यहाँ पे आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर। तो यहाँ पे जो क्या है, यानी जो प्रेपोजिशन का यूज हुआ है वो यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग अगले पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे यह यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन प्रयुक्त रहता है वह नाउन प्रोनाउन अभिष्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी क्या बताया जा रहा है, जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले जो प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, वह नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, जो अभिष्ट प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है ये, यानी चेयर क्या है, ये नाउन है, तो नाउन के पहले यहाँ पे क्या हो यूज़ हुआ है, यानी द का यूज़ हुआ, यानी द क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये चेयर क्या हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको रूल में बता दिया गया है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले जो प्रयुक्त होगा क्या, प्रेपोजिशन, उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे चेयर नाउन है लेकिन उसके आगे पे यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ, यानी प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो चेयर क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए यहाँ पे चेयर ऑब्जेक्ट कहलाएगा, रूम जो है यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, स्कूल क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वॉकिंग है ये भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और चेयर तथा मी कर्म इन क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और जो प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है, इनका हुआ है, टू का, ऑफ का, ऑफ का, तो टू का हुआ है, तो क्या हुआ, तो हम लोग कब बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन को, हम लोग कब ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जब उसके आगे यानी कोई प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो चलिए आपको रूल याद रखने हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, कुछ परिस्थितियों में प्रेपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस क्लाउज के अंत में भी होता है। तो आपको ध्यान में रखने हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पहले भी नहीं होता है, यानी अंत में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में पहले ऑब्जेक्ट आता है, जब अगर अंत में यानी जो प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुछ अन्य पद आएंगे, तब जो होगा उपयुक्त प्रेपोजिशन आएगा। तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए तो एक एक करके उन स्थितियों पर हम लोग विचार करते हैं, देखिए कहाँ पे क्या आएगा। चलिए
देख लेते हैं अभी क्या है। सबसे पहले, जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है, यानी क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में जब कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है, तब प्रेपोजिशन का पर्याय सेंटेंस क्लाउज के अंत में रखा जाता है। तो प्रेपोजिशन को अंत में कब रखा जाता है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है, तब हम लोग जो प्रेपोजिशन होगा उसको अंत में यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पे क्या है, एट इज़ यूज फॉर व्हाट, यानी जो एट का इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है, वो किसके लिए यूज़ हुआ है, व्हाट के लिए वो यूज़ हुआ है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, यहाँ पे जो ऑफ का यूज़ हुआ है वो व्हाट के लिए हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट, तो यहाँ पे जो अबाउट यूज़ हुआ है किसके लिए यूज़ हुआ है, वो व्हाट के लिए यूज़ हुआ है। चलिए इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, होम डिड यू गिव इट टू, तो यहाँ पे जो टू का यूज़ हुआ है वो होम के लिए हुआ है। हु इज़ सी वीपिंग फोर, तो यहाँ पे जो फोर का यूज़ हुआ है वो हु के लिए हुआ है। चलिए हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त व्हाट व्हेन हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस कौन कौन सा है, जो यहाँ पे व्हाट है, होम है, हु है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। जो वाक्य में क्या है, वो जो प्रयुक्त प्रेपोजिशन हुआ है उसके वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। चलिए तो आपको पता चल गया अंत में कब यूज़ होगा प्रेपोजिशन का। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है दूसरे नंबर पे, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यानी दैट रहता है, तो दैट क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, दैट हो, तब प्रेपोजिशन को सेंटेंस या क्लाउज के अंत में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बताया, अगर वाक्य में अगर क्या होगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिलेटिव जो प्रोनाउन होगा दैट, वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तो हम लोग जो प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे वो यानी सेंटेंस के अंत में करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर कोई भी सेंटेंस में यानी जो ऑब्जेक्ट किसके रूप में होगा, यानी दैट के रूप में होगा, तो वहाँ पे जो प्रेपोजिशन होगा वो लास्ट में होगा। देखिए यहाँ पे जो दैट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे जो फोर है प्रेपोजिशन, वो यानी सेंटेंस के एंड में यूज़ हुआ है। यहाँ पे भी दैट है, तो यहाँ पे जो ऑफ है वो भी सेंटेंस के एंड में यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो दैट है क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे जो इन है वो सेंटेंस के यानी अंत में यूज़ हुआ है। तो आपको पता चल गया अगर कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में अगर दैट रहे यानी रिलेटिव प्रोनाउन रहे, तो वहाँ पे हम लोग लास्ट में एंड में यानी प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग अब तीसरा रूल को क्या है। तीसरा रूल में, जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन अव्यक्त यानी अनएक्सप्रेस्ड रहता है, यानी क्या बोला जा रहा है, जब किसी वाक्य में जो रिलेटिव प्रोनाउन हो वो क्या हो, अव्यक्त हो, यानी उसमें एक्सप्रेस किया नहीं हो, व्यक्त किया नहीं हो, तब हम लोग जो क्या करेंगे तो प्रेपोजिशन को सेंटेंस क्लाउज के अंत में रखा जाता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, अव्यक्त होगा यानी अनएक्सप्रेस्ड होगा, यानी एक्सप्रेस किया हुआ नहीं रहेगा, तो हम लोग जो प्रेपोजिशन को यानी जो सेंटेंस होगा उसके अंत में रखा जाता है, रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिस इज़ द रूम आई स्लेप्ट इन, तो यहाँ पे जो इन है लास्ट यानी जो सेंटेंस के अंत में यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई यानी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो फिर भी ये क्या होगा, यानी जो इनका यूज़ होगा वो सेंटेंस के अंत में होगा। दिस इज़ द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, द मैन आई स्पोक टू इज़ माई फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे क्या है, द हाउस आई लिव इन इज़ माई ओन। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग आगे क्या है। यहाँ पे यहाँ ऊपर दिए गए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में, यहाँ ऊपर दिए गए प्रत्येक वाक्य में आई के पहले रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो आई के पहले क्या होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन यानी क्या होना चाहिए, प्रयुक्त रहना चाहिए, लेकिन यह क्या है, अव्यक्त है, लेकिन इस सेंटेंस में वो क्या है, अव्यक्त है, यानी इसको व्यक्त नहीं किया गया, एक्सप्रेस नहीं किया गया है। अतः जो अविष्ट प्रेपोजिशन है को सेंटेंस क्लाउज के बाद, जो सेंटेंस क्लाउज के बाद प्रयुक्त किया गया है, अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त करते हैं तो वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है,
दिस इज़ द रूम इन विच आई स्लेप्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ द रूम दैट, दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हम लोग दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, यानी जो इन होगा यानी प्रेपोजिशन होगा लास्ट में आ जाएगा, वेयर आई स्लेप्ट इन। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए अब आगे देख रहे हैं, देख लेते हैं हम लोग। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने यानी अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यानी जितने भी बिहार बोर्ड 12th के सिलेबस हैं सारे को कंप्लीट करेंगे इसी चैनल में। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपने BBP हेल्प टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो आप वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है कोर्स से रिलेटेड यानी सिलेबस से रिलेटेड और जो वीडियो की नोटिफिकेशन होती है आपको वहाँ पर सब कुछ जाता है, तो आप भी वहाँ जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे क्या है, रूल 4 में यदि कोई इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि कोई इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहे तो प्रेपोजिशन इन्फिनिटिव के बाद प्रयुक्त होगा। तो जैसे देख लेते हैं हम लोग, दिस इज़ द हाउस टू लिव इन, यहाँ पे जो लिव है वो क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब हो गया आपको यहाँ कह सकते हैं यानी साधारण, ये साधारण ये हो गया, क्या उसको बोलेंगे हम लोग, क्रिया, साधारण क्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा, यहाँ पे जो लिव है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहेगा, तो जो प्रीपोजिशन होगा वो इन्फिनिटिव के बाद होगा। तो यहाँ पे जो लिव है वो क्या है, इन्फिनिटिव है, तो हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो इन्फिनिटिव के बाद करेंगे, यानी इनके लिव के बाद यहाँ पर इनका यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द हाउस टू लिव इन। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा यानी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हियर इज़ ए फुटबॉल टू प्ले, यहाँ पे प्ले क्या है, इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पे जो विद यूज हुआ है उसके बाद यूज हुआ है जो कि प्रेपोजिशन है। आई नीड समथिंग टू राइट, यहाँ पे राइट जो है वो इन्फिनिटिव है और जो विद का यूज़ हुआ है उसके बाद हुआ है। चलिए तो आपको रूल 4 भी बता दिया मैंने, अब अगला रूल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 5 में क्या है, यानी क्या बोला जा रहा है, सम मिसलेनियस सेंटेंसेज एंडिंग विथ प्रेपोजिशन, यानी कुछ जो मिसलेनियस यानी जो मिक्स कुछ सेंटेंस है जिसका एंडिंग यानी प्रेपोजिशन से हुआ है। जैसे देख लेते हैं हम लोग, सी लाइक्स बींग लुक्ड एट, उसके बाद यहाँ पे दूसरा में क्या है, आई हेट बींग लाफ्ड एट, हु इज इट फॉर, गांधी जी इज़ फेमस ऑल द वर्ल्ड ओवर। तो ये सारे क्या है, कुछ मिसलेनियस सेंटेंस है यानी जिसके अंत में प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है। तो हम लोगों ने यानी 1-5 रूल पढ़ लिया है, यानी कहाँ पे हम लोग कैसे किस प्रकार प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह के डेली आपके यानी जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे मैं सारे को लेके आने वाला हूँ, यानी ग्रामर्स के हो गए, बुक पोर्शन के हो गए, सारे को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो हम लोगों ने यानी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप, मैंने प्लेलिस्ट में यानी 12th ग्रामर से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, और इंग्लिश बुक का भी सारा कुछ वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हम लोग फिर यानी पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, यानी कहां पे प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहिए, कौन से प्रेपोजिशन का कहां पे यूज़ करेंगे, वो सारे रूल को हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ा है, तो अब लोग हम लोग यानी जो पार्ट 2 है उसमें जितने भी सारे यानी जो प्रेपोजिशन है सारे को हम लोग उसके यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ के वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप यानी नोट्स चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो आपको वो BBP हेल्प ऐप पर मिल जाएगा, जो कि आपको परचेज करना पड़ेगा, वो आपको 349 में मिल जाएगा, यानी 349 रुपये में मिल जाएगा, जो कि सिर्फ संडे को रोज़ आपको 349 में मिलेगा। लेकिन आप अदर डे ख़रीदेंगे तो वो आपको यानी 999 रुपये लगेगा। तो वहाँ पे आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं 12th क्लास के, आपके सबको यानी सब कुछ मिल जाएगा, PDFs, नोट्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, टेस्ट सीरीज, PDFs, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। BBP हेल्प एक ऐप है, BBP हेल्प, जो कि प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, और आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए
फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।